पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने 24 घंटे बाद ही प्रेस वार्ता कर अपने दिए बयान पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि जब तक जनसंख्या कानून नहीं बनाया जा रहा था तब तक ठीक था कि कम से कम हिंदू 3 बच्चे पैदा करें, लेकिन अब जनसंख्या कानून बनने जा रहा है तो हमारे दो का फॉर्मूला ही समाज हित में होगा। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी की मुख्य वजह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के द्वारा ज्यादा बच्चे पैदा करना है और जब तक इस सोच में बदलाव नहीं होगा बेरोजगारी को कम करना मुश्किल है। हमने 2 बच्चों के लिए हिंदुओं को सलाह दी है। इस उद्देश्य को लेकर हमने यहाँ अपने सभी मीडिया बंधुओं को बुलाया है। कल उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः मुझ पर विश्वास करते हुए पूरे मंडल में समीक्षा बैठक का हमारा कार्यक्रम लगा और कल मुरादाबाद सर्किट हाउस में SC/ST समाज को लेकर यहाँ समीक्षा बैठक हुई। उसमें हमारे मीडिया बंधुओं ने हमसे एक सवाल पूछा कि हमारे संभल जिले के सपा के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि दलित बस्तियों में रहने वाले लोग जो दलित समाज के झोपड़ियों में रहते हैं वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और उससे देश में बेरोजगारी फैल रही है। इस बात का पलटवार करते हुए हमने अपने पत्रकार बंधुओं से कहा कि ये जो बयानबाजी हो रही है मैं इसकी निंदा करती हूँ और मैं उस बयान का पलटवार करते हुए उन विधायक जी से पूछना चाहती हूँ कि पहले तो वो अपने गलेवान के अंदर झांके कि उनके खुद के कितने बच्चे हैं। हिंदुओं को इल्जाम लगाने से पहले, दलितों पे इल्जाम लगाने से पहले सबसे पहले वो अपने समुदाय के लोगों से पूछें। उनके समुदाय में अक्सर आपने देखा है 2-2, 3-3 पत्नियां वो लोग रखते हैं और जब 2-2, 3-3 पत्नियां होती हैं तो 10-10, 20-20 बच्चे उन लोगों के पैदा होते हैं। बेरोजगारी दलित समाज से नहीं जबकि उनके ही खुद के समुदाय से बेरोजगारी फैल रही है। बेरोजगारी का उद्देश्य केवल और केवल मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हाँ, पूर्व में जब हमारी सरकार ये कानून पास करने की व्यवस्था नहीं कर रही थी, इस विषय में विचार नहीं किया गया था, हमारे दो तब हम लोग जब मंच पर जाते थे तब हम ये कहते थे कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं तो मेरे हिंदू बहन भाई भी कम से कम 3 बच्चे पैदा करें जिससे एक बॉर्डर पे देश की सुरक्षा के लिए दें, जिससे हमारा देश सुरक्षित है, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, और 2 बच्चे अपने परिवार के लिए रखें। लेकिन आज सरकार कानून बना रही है, कानून बनाने की व्यवस्था कर रही है, तो उस कानून को ध्यान में रखते हुए आज हम सबका यही उद्देश्य है कि हम 2 हमारे 2 और उस कानून को सर्व समाज को मानना होगा क्योंकि वो कानून सर्व समाज के हित में है। ये 24 घंटे में ये परिवर्तन कैसा है साहब जी, परिवर्तन कैसे होगा 24 घंटे में? कल कुछ और आपका बयान था, आज कुछ और बयान है। परिवर्तन नहीं हुआ, हम जो कल कह रहे थे वही हम आज बोल रहे हैं। हमने ये कहा था कि जब ये कानून पास करने की बात नहीं हो रही थी, जब इस कानून पे चर्चा नहीं थी, तब हम लोग इस तरीके के बयान देते थे कि कम से कम हमारे हिंदू समाज के भी 3 बच्चे होने चाहिए। लेकिन अब सरकार इस कानून को लाने की बात कर रही है, हम 2 हमारे 2, तो जनसंख्या नियंत्रण का बढ़ावा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये कानून सीधा सीधा हमारे मुस्लिम समुदाय को सोचना चाहिए कि उनके समुदाय के लोग ही 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं और बेरोजगारी उनकी वजह से ही फैल रही है। हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो देश में गरीबी फैल रही है, जो देश में हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसकी वजह से घूम रहे हैं? जनसंख्या की वजह से घूम रहे हैं क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है तो सरकार लोगों को रोजगार कहाँ से दे? आज हमारे पढ़े लिखे युवा सड़कों पे घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। जब तक जनसंख्या कानून नहीं आएगा तो आदमी बेरोजगार रहेगा, बेरोजगार होने के कारण वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो अपना जीवन यापन कैसे पूरा करेगा? इसके लिए सरकार ये कानून बना रही है और हम सब सरकार के साथ हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि 2022 की तैयारी में भाजपा आ गई, पूरा कम्युनल चुनाव होने जा रहा है भाजपा के अनुसार, आप भाजपा के शामिल हैं जी, क्या कम्युनल होने जा रहा है पूरा चुनाव? आप इस तरह देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं सर्व समाज के लिए की जा रही है और उन योजनाओं का लाभ किसी व्यक्ति को मुंह देखकर नहीं दिया जा रहा, सर्व समाज को दिया जा रहा है। और उस लक्ष्य को, उस मंशा को ध्यान में रखते हुए 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आपका जो काम, जो आपका बयान अभी भी है कि 10-10 दिन की स्वच्छता कर रहे हैं मुस्लिम समाज, इससे तो मुसलमान एक्साइट हो गया भाजपा से। आपका बयान देखिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक अच्छा संदेश देना है, लोगों को समझाना है, जनता को समझाना है और बताना है उनको का अगर अपने देश को सुरक्षित करना चाहते हैं, बेरोजगारी से बचाना चाहते हैं, तो हम सबको हम दो हमारे दो का कानून अपनाना ही होगा। वहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर बाबू, 3 दिन पहले उन्होंने बयान दिया है कि बच्चों का तो जो है वो अल्लाह की देन है, इससे तो अगर कोई रोकेगा तो देश में बवाल हो जाएगा। देखिए, अच्छी जनसंख्या के लोग हैं, देखिए वो उनका निजी बयान हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में अक्सर हमने देखा है कि वो 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करके वो 4-5 साल के होते हैं और उन्हें किसी न किसी काम पे लगा देते हैं और वो अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाते हैं, तो उन्हें लगता होगा कि ये अल्लाह की देन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही जनसंख्या को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि दलित समाज के लोग, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग तो अपना जीवन यापन ही नहीं कर पाते, वो इतने बच्चे कहाँ से पैदा करेंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।